सतना सेंट्रल जेल से 20 कैदियों को रिहा किया गया है। गुनाह किया तो अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया, लेकिन जेल की चार दीवारियों ने न केवल अपराध बोध कराया बल्कि गलतियों और आचरण में सुधार का अवसर दिया। नतीजतन आचरण की जिस बुराई ने गुनाहगार बनाया, उसी आचरण की अच्छाई ने रिहाई के रास्ते खोल दिए। सरकार ने सजा माफ की और स्वतंत्रता की 75वीं जयंती आजादी का पैगाम ले आई। स्वतंत्रता दिवस समारोह की खुशियों के बीच सतना केंद्रीय जेल से सजा काट रहे 20 बंदियों को सजा माफी का लाभ मिला है। इनमें 18 बंदी ऐसे हैं जिन्हें अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा माफी का लाभ पाने वालों में एक छतरपुर की महिला भी है, जिसे अपने पति की कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद हुई थी। सोमवार को इन सभी 20 बंदियों को सतना के केंद्रीय कारागार से आजाद कर दिया गया है। सबसे अधिक 8 बंदी छतरपुर के रिहा हुए हैं। जेल अधीक्षक ने उन्हें रिहाई देते वक्त बधाई दी और यह उम्मीद जताई कि वे अब कभी दोबारा गुनाह के रास्ते पर नहीं चलेंगे। उन्होंने सभी बंदियों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। जिन बंदियों को सजा माफी का लाभ मिला उनमें 3 वर्ष की सजा पाने वाला जितेंद्र उर्फ बिट्टू कुशवाहा निवासी सतना और 5 वर्ष की सजा पाने वाला छतरपुर निवासी राज भैया सिंह भी शामिल है। इसी तरह उम्र कैद की सजा से मुक्त होने वालों में ओम प्रकाश साहू निवासी बांदा, राजू उर्फ रजाउर रहमान निवासी बालाघाट, नत्थू उर्फ बिटवा काछी निवासी पन्ना शामिल है। सतना के 4 बंदी राम नारायण सिंह, राजकुमार साहू, दारा उर्फ राजेंद्र सिंह और राम नरेश कोल उर्फ नरेश, छतरपुर के बंटा उर्फ शिवराज अहिरवार, भैयन उर्फ जयराम यादव, भैया राम यादव, सोलू राजा उर्फ बितुर सिंह, सुनील रजक, बल्टू उर्फ ठाकुरदास यादव, गजेंद्र सिंह और महिला बंदी कौशल्या पटेल की भी रिहाई हुई है। इनके अलावा करवी उत्तर प्रदेश के राजू उर्फ राजेंद्र सिंह, लाला उर्फ हरिचंद गौड़ और मुसैया सिंह गौड़ भी आजादी के अमृत महोत्सव पर आजाद हुए हैं। हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को दाम मिले और हमारा युवा एक प्रगति के पथ पे और भारत के विकास में युवा का युवा अग्रणी रहे, ये हमारी युवा के युवाओं से प्रार्थना है और छोटे भाइयों को ये संदेश है कि वो नशे का परित्याग करें, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करें, अपने छोटों का सहयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। एक बार फिर इस अमृत महोत्सव के आज़ादी के इस महान पर्व पे सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। थाना प्रभारी सलेहा जिला पन्ना अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पंकज मिश्रा, रोजगार सहायक पंचायत भुलगवा। हाजी फैजान खान, डायरेक्टर जीएन एजुकेशन सेंटर एवं राइसविल रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश मंगल, प्रबंधक मेसर्स इंडियन गैस सर्विस रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा द्विवेदी, पत्नी किशन द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख रसूलाबाद, खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भादाकुई की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच माया धर्मेंद्र उइके, उप सरपंच सिंह मीणा, सचिव देवी सिंह मीणा, रोजगार सहायक मुकेश मीणा, ग्राम भादाकुई पंचायत, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। दंत चिकित्सक डॉक्टर वीरू वर्मा, जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भुलगवा, जिला पन्ना की सरपंच श्रीमती शीला दहायत, सचिव वाल्मीक राठौर एवं ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पंकज मिश्रा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ममता शर्मा, जिला पंचायत सदस्य, योजना समिति सदस्य, कांग्रेस जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भाटिया, जिला पन्ना की सरपंच अनु वर्मा उर्फ अंजुम बानो एवं रोजगार सहायक शकील खान की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा एवं थाना प्रभारी सलेहा अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद अयोध्या से भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मसौदा के मशहूर बंगाली दवाखाना के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेश वासियों को अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 15 अगस्त नागपंचमी रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।